कलुआ है माउंटेन ड्यू पीने वाला आदमी सबसे कर्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मित है जोरासिक पार्क के ट्री कभी नहीं टूटते। तो मैंने जोरासिक पार्क के ट्री को आरपीजी से तोड़ने की बहुत कोशिश की। मैंने इस पे अनाप सनाप आरपीजी मारी लेकिन ये नहीं टूटा। तो मैंने इस पे काफी सारे स्टिकी बॉम्ब लगा दिए। अब इतने सारे स्टिकी बॉम्ब लगा के इसको ब्लास्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। धमाका तो काफी खतरनाक हुआ लेकिन ये पेड़ नहीं टूटा यार। अब मैंने सोचा इसको टैंक की आरपीजी से तोड़ देते हैं लेकिन ये टूटा ही नहीं। तो मैंने टैंक को इसी में भिड़ा दिया। अब यार इतना बड़ा टैंक एक पेड़ में आया लेकिन फिर भी पेड़ नहीं टूटा यार। तो यार सच में इस जोरासिक पार्क के पेड़ कभी नहीं टूटते, तो ये मित्र कंफर्म है। तो हमारा अगला मित्र, अगर हम फॉर्च्यूनर की विंडो पे आरपीजी मारेंगे तो आरपीजी आर पार निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्च्यूनर को मंगा लिया है और अब मैं इस पे आरपीजी का ऐसा शॉट दूंगा ना कि पूरी फॉर्च्यूनर ही फट जाएगी। तो ये मारा मैंने इस पे शॉट। अरे भाई ये आरपीजी की बुलेट है, इसकी विंडो से आर पार कैसे जा रही है? ये फॉर्च्यूनर भूतिया है भैया, हवा निकल गई। तो चलो यार ये मित्र तो कंफर्म है। तो हमारा अगला मित्र, हम स्कॉर्पियो का मॉन्स्टर ट्रक नहीं मंगा सकते। तो यहाँ पर मैंने तीन 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 डायल करके स्कॉर्पियो को मंगा लिया है और अगर हम किसी भी गाड़ी का मॉन्स्टर ट्रक मंगाना चाहते हैं तो हमें उसके चीट कोड के आगे जीरो लगाना पड़ेगा। तो हम लोग डायल करते हैं 0333 और जैसे मैंने डायल किया तो हमारी कॉल कट गई, हमारा जो मॉन्स्टर ट्रक था वो नहीं आया। तो ये मित्र कंफर्म है। तो हमारा अगला मित्र है, कार या बाइक को आरजीबी कलर करने के बाद उनका कलर चेंज नहीं होता। तो मैंने एक ऑडी कार और एक निंजा बाइक को मंगा लिया है। अब हम लोग सबसे पहले निंजा के ऊपर आरजीबी कलर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने निंजा के ऊपर आरजीबी कलर कर दिया है और आरजीबी कलर करने के बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इस पे कोई सा भी कलर नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग कार के ऊपर ट्राई करते हैं। तो कार के ऊपर मैंने आरजीबी कलर कर दिया और आरजीबी कलर करने के बाद मैं इस पे कोई भी कलर नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ये मित्र कन्फर्म है। तो हमारा अगला मित्र, अगर हम फॉर्च्यूनर लेजेंडर स्कॉर्पियो S11 स्कॉर्पियो क्लास के इंडोवर एंड रोल्स रॉयल को स्पॉन करके थोड़ी दूर चले जाएं और जब हम वापस आएंगे तो हमारी कार गायब हो चुकी होंगी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर रोल्स रॉयल स्कॉर्पियो क्लास के स्कॉर्पियो S11 एंड इंडोवर को स्पॉन कर लिया है। ठीक है, तो हमने सभी खतरनाक सी गाड़ियों को यहाँ पे स्पॉन कर लिया है। कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार ये। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ी दूर घूमने फिरने, थोड़े से मजे करने, थोड़ी से लड़ाई दंगाबाजी करने और जब हम लोग घूम फिर के आएंगे तो देखेंगे क्या ये गाड़ी अभी तक यहीं पे खड़ी है या फिर ये गायब हो गई। तो मेरी गाड़ी की हालत देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कितना खतरनाक घूम के आ रहा हूँ या कहो पिट के आ रहा हूँ। खैर वो सब छोड़ो, ये देखो यहाँ पे हमने जितनी भी गाड़ियाँ स्पॉन की थी वो सारी गाड़ियाँ गायब हो चुकी हैं यार, एक भी गाड़ी नहीं बची। तो इसका मतलब ये मित्र कन्फर्म है। तो हमारा अगला मित्र, रोल्स रॉयल को रॉकेट से ब्लास्ट करो फिर देखो मैजिक। तो यहाँ पर हमने रोल्स रॉयल के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करके उसके ऊपर ब्लास्ट किया लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ यार। अरे भाई ये क्या जादू की बनी हुई है, ये देखो मैं इस पे बार बार फायर कर रहा हूँ और इसको कुछ हो ही नहीं रहा, ये ब्लास्ट क्यों नहीं हो रही है? अभी देखना ये वाली गाड़ी देखो, एक ही बार में ब्लास्ट हो गई, बिल्कुल जल के काली हो गई मेरी तरह। अबे साले, लेकिन ये कौन सी मिट्टी से बनी है जो ये ब्लास्ट ही नहीं हो रही है? अरे ये गायब कैसे हो गई? इस गाड़ी को देखो पूरी जल चुकी है फिर भी ये गायब नहीं हुई है और अपनी रोल्स रॉयल बिना जले ही बिना ब्लास्ट हुए गायब हो गई यार, ये तो सच में मैजिक हो गया। तो ये मित्र कन्फर्म है। तो हमारा अगला मित्र, अगर हम प्लेन को आरजीबी कलर करते हैं तो उसका थोड़ा सा पार्ट आरजीबी कलर का नहीं होता। तो यहाँ पर हमने पांच पांच पार्ट डायल करके एक प्लेन को मंगा लिया है, अब इसको जल्दी से आरजीबी करते हैं। तो मैंने इसको आरजीबी कलर का कर दिया है और अब चेक करते हैं इसका कौन सा पार्ट ऐसा है जो आरजीबी कलर का नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हो पूरा प्लेन रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला रंगीला हो चुका है और मुझे तो इसका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं मिल रहा है जो रंगीला कलर का ना हुआ हो। इसके टायर ब्लैक है लेकिन वो तो ब्लैक ही होते हैं ना यार। तो सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं इसको पूरा का पूरा आरजीबी कलर का घोषित करता हूं, इसका कोई भी पार्ट बिना आरजीबी कलर का नहीं बचा। तो ये मैं तो बस्टेड है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो हमारा अगला मित्र, अगर हम हेलीकॉप्टर एंड ट्रेन में एक साथ बैठेंगे तो हमारे साथ मैजिक होगा। तो मैं इस हेलीकॉप्टर को ट्रेन के पास लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये पता नहीं क्यों गोल 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 घूमे जा रहा है। अरे भैया क्यों गोल गोल घूम रहा है, रुक जा थम जा। 5 minutes later. तो आधे एक घंटे तक मजदूरी करने के बाद मैंने इस हेलीकॉप्टर को ट्रेन के पास में खड़ा कर दिया है लेकिन इन दोनों में एक साथ बैठने को ऑप्शन नहीं आ रहा। भाई ऐसा मत करो यार। 1 minute later. चलो फाइनली इन दोनों में एक साथ बैठने को ऑप्शन आ चुका है, अब बैठते हैं देखते हैं क्या मैजिक होता है हमारे साथ। अरे भैया ये क्या हो गया? अबे भाई ये कलुआ कहाँ पे बैठा है, ये हवा में कैसे बैठा है और उसके हाथ तो देखो कहाँ पर हैं।
और इसे हेलीकॉप्टर के पर इसकी खोपड़ी से निकलते हुए जा रहे हैं, तो फिर इसकी खोपड़ी कट क्यों नहीं रही है, ये मर क्यों नहीं रहा, ये जिंदा कैसे है, और ये स्क्रीन पे हेलीकॉप्टर एंड गाड़ी के कंट्रोल साथ में कैसे आ रहे हैं। कलुआ है माउंटेन ड्यू पीने वाला आदमी सबसे कर्रा। हमारे साथ सच में बहुत बड़ा मैजिक हो चुका है, तो ये मैं तो कन्फर्म है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ खतरनाक से चुम्बेज भरी मजेदार से स्वाद से मिथ है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, हम लोग अगली वीडियो में उन्हीं को देखेंगे। बाकी अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो या फिर नहीं आया हो, वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, ठीक है। और तुम्हारा मन हो या ना हो, लेकिन तुम्हें फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। उस पर कुछ भी फेंक के मारो, अपनी गंदी नाक, गंदा मुंह, गंदा हाथ, कुछ भी फेंक के मारो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड घंटी को दबा देना। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसी खतरनाक सी प्यारी सी स्वादिष्ट सी नेक्स्ट वीडियो में। टीटा बाय बाय।